एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सियासी हमला बोलने को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा घिर गई हैं। उन्हें अपने उस बयान के लिए सफाई देनी पड़ी है जिसमें उन्होंने शरद पवार को लालची कहा था। दरअसल अडानी मामले पर शरद पवार ने जेपीसी को लेकर विपक्ष से अलग राय रखी थी, जिस पर अलका ने ट्वीट कर शरद पवार पर हमला बोला और उन्हें डरा हुआ और लालची बता दिया था। इस पर बीजेपी ने अलका लांबा को घेरते हुए कांग्रेस से सवाल पूछ लिया था कि क्या ये उसका आधिकारिक बयान है। बीजेपी के सवाल पर अलका लांबा को सफाई देनी पड़ी है। अलका ने कहा है कि शरद पवार को लेकर जो भी टिप्पणी की वो उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान के लिए पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए। अलका ने ट्वीट कर लिखा, नहीं मिस्टर पवार पर एक कांग्रेस का विचार नहीं है, उसके लिए पार्टी हैंडल चेक कीजिए। मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूं, मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल पर मेरे स्वतंत्र विचार हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है। पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि वो अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जेपीसी से जाँच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। इसी कड़ी में पवार ने यह भी कहा था कि जेपीसी के बजाय मेरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी होगी। शरद पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक ट्वीट किया। अलका लांबा ने अपने ट्वीट में लिखा, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदारों से भी। अपने इस ट्वीट के साथ अलका लांबा ने शरद पवार की अडानी के साथ एक फोटो भी शेयर की थी। अलका लांबा के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला करते हुए उनके बयान को रीट्वीट किया और सवाल किया कि क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। शहजाद ने लिखा, मैं हैरान हूँ, क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? अलका लांबा ने शरद पवार जी पर एक अविश्वसनीय हमला किया है, उन्हें लालची और कायर बताया है। एक महाराष्ट्रियन के रूप में मैं काफी हैरान हूँ। बता दें कि अडानी मुद्दे पर दिनों दिन सियासी विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी नेताओं में ही अब फूट देखने को मिलने लगी है।